हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुजराती चेस जोन में। मैंने पहले इससे पहले वाले वीडियो में बहुत सारी ओपनिंग्स बताई थी आपको। आज उसी ओपनिंग का एक सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूँ, जिसमें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और भी बहुत सारी ब्लैक से अलग अलग ओपनिंग्स। तो चैनल वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो शुरू करते हैं मार्शल अटैक से, वाइट e4 खेलता है तब हम मार्शल अटैक का यूज कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आपको खेलना है e4 अगेंस्ट e5, नाइट f3, नाइट c6। दोस्तों पहले ये ओपनिंग बहुत ही फेमस थी मार्शल अटैक, लेकिन आजकल कोई मार्शल होने नहीं देता है, इसलिए लोग मार्शल खेलना अवॉइड करते हैं। तो हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि मार्शल अटैक क्या होता है। मार्शल अटैक रुई लोपेज की ओपनिंग का एक पार्ट है। बिशप b5, उसके बाद e6, बिशप a4, उसके बाद नाइट f6, वाइट कैसल, बिशप e7, re1, b5, देन बिशप b3, शॉर्ट कैसल। दोस्तों यहां से शुरू होता है मार्शल अटैक का मेन वेरिएशन। तो अगर व्हाइट मार्शल अटैक एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है तो वो d3 कर सकता है सिंपल, या फिर h3, या फिर a4। ये तीन मूव है मार्शल अटैक को डिक्लाइन करने के लिए। अगर व्हाइट ने c3 किया तो समझ लो व्हाइट रेडी है मार्शल अटैक के सामने खेलने के लिए। तो आपका भी प्रिपरेशन बढ़ा होगा, तो आप अच्छा अटैकिंग मूव कर सकते हो। मार्शल अटैक एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें आप शुरुआत से पॉन सेक्रीफाइस करके ब्लैक से बहुत सारा अटैक ले सकते हो। तो यहाँ पे खेलना है d5, आफ्टर पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स d5, नाइट टेक्स e5, नाइट टेक्स e5, रुक टेक्स e5। अब यहाँ पे आपको c6 करना है, क्योंकि नाइट पे रुक और बिशप दोनों का अटैक है। व्हाइट खेलेगा d4, क्योंकि कॉमन मूव है, कोई भी अपना डार्क स्क्वायर बिशप भी ओपन करेगा। यहाँ पे आपको खेलना है बिशप d6, रुक e1, क्वीन h4, डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट। तो फोर्स मूव है g3, क्योंकि h3 ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी भी बिशप सेक्रीफाइस आ सकता है बिशप टेक्स। तो g3, उसके बाद क्वीन h3, वाइट खेलेगा नाइट d2 या फिर बिशप e3। बिशप e3 अगेंस्ट आपको खेलना है बिशप g4। अब व्हाइट के पास एक ही बेस्ट चॉइस है, क्वीन d3, और कहीं भी गया जैसे कि क्वीन d2 या क्वीन c1 लाइक, तो आप सिंपल मेट इन वन और अन अवॉइडेबल मेट आ जाती है बिशप f3 से। तो यहाँ पे व्हाइट को रिप्लाई देना होगा क्वीन d3, क्योंकि आफ्टर बिशप f3 क्वीन f1 आ जाता है। तो ये यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। आप इसके बाद और भी अटैकिंग मूव्स जैसे कि रुक e8 और फिर f5, f4, ये सारे मूव्स कर सकते हैं। तो ये अटैकिंग लाइन है जिसको बहुत ही कैलकुलेटेड मूव्स व्हाइट ने भी प्रिपेयर किए होते हैं। आपको आगे के बहुत सारे गेम्स डेटाबेस में जाके सर्च करनी है कि कौन से गेम से ब्लैक हारा था या जीता था, और कौन से मूव से ब्लैक ने गेम विन की थी। तो ये आप अपने खुद सर्चिंग करके कर सकते हो। दूसरी ओपनिंग बताता हूँ, गुइको पियानो। दोस्तों गुइको पियानो ब्लैक से e4, e5, बिशप c4 ओपनिंग के सामने होता है। नाइट f3, nc6, बिशप c4, bc5। bc5 के सामने नाइट f6, वाइट कैसल, e4, e5, अगेन देखते हैं नाइट f3, नाइट c6, bc4, bc5। यहां पे वाइट का टर्न था, इसलिए वाइट ने कैसल किया। कैसल के बाद d6, d3, नाइट f6, c3,
विको पियानो में वाइट सेंटर कंट्रोल करना चाहता है, सीधे देन d4 का प्लानिंग होता है। यहाँ पे आप बिशप g4 खेल सकते हो d4 को स्टॉप करने के लिए। qb3 f7 पे अटैक और b7 पे अटैक, डबल अटैक है। क्वीन b3, बिशप क्रॉस f3, बिशप क्रॉस f3, क्वीन टेक्स b7। ये एक शॉकिंग मूव है, ज़्यादा अच्छी मूव नहीं है वाइट के लिए। क्वीन b7 बहुत ही गलत। यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन d7 एक्सक्लामेशन मार्क आफ्टर जी क्रॉस f3, रुक b8। दोस्तों एक और बात बताऊंगा आपको कि अगर यहाँ पे वाइट ने क्वीन से रुक मार दिया तो क्या होता है। आफ्टर क्वीन एट किंग e7 देन क्वीन टेक्स रुक, क्वीन g4 फोर्स मेट आती है, देन अनस्टॉपेबल चेकमेट। तो ये पोजीशन पे आप अच्छी तरह से खेल सकते हो। टू नाइट डिफेंस एक ओपनिंग है जो नॉर्मल ओपनिंग है ब्लैक से, e4 e5 नाइट f3 एंड c6 बिशप c4 नाइट f6। दोस्तों इस ओपनिंग को कहते हैं टू नाइट डिफेंस। उसके बाद हम देखते हैं और भी ओपनिंग्स के बारे में। मैं आपको स्कॉच गेम जो बहुत ही लोग खेलते हैं वाइट से, e4 e5 स्कॉच ब्लैक के लिए थोड़ी सी डेंजर है, लेकिन आप प्रिपेयर करके खेलोगे तो काफ़ी अच्छा खेल सकते हो। e4 e5 नाइट f3, आपको नाइट से 6 देन d4। स्कॉच में अर्ली अटैक होता है, e takes d4 कंपल्सरी मूव होती है, वरना d5 की भी थ्रेट आ सकती है। Knight takes d4, फिर बिशप c5, नाइट b3, बिशप b6, नाइट c3, नाइट f6। ये स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है ब्लैक के लिए। बिशप g5, h6, बिशप h4, देन d6, नाइट d5। यहाँ पे एक जबरदस्त सैक्रिफाइस है, नाइट क्रॉस e4। तो आफ्टर बिशप टेक्स d8 मीटिंग टू बिशप टेक्स f2 चेक, किंग a2 बिशप g4 चेक, किंग d3 नाइट क्रॉस e5। नाइट e5 चेक, यहाँ पे किंग क्रॉस e4, f5, किंग f4 एंड नाइट g6 चेकमेट। तो ये भी एक ट्रैप है, आप ये ट्रैप खेल सकते हो क्वीन सैक्रिफाइस स्कॉच गेम में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करके आपको मूव करने हैं। और भी मैं बताऊंगा आपको, फोर नाइट गेम्स सेम है, पोंजियानी ओपनिंग है, एक नई ओपनिंग पोंजियानी ओपनिंग, e4 e5 नाइट f3 नाइट c6 c3 नाइट f3 और नाइट c6 के बाद में बिशप को डेवलप किए बिना c3, इसे कहते हैं पोंजियानी ओपनिंग। आप यहाँ तुरंत अटैक करके d5 सेंटर कंट्रोल कर सकते हो, बिशप b5
पिनिंग द नाइट, Bb5 के बाद डी क्रॉस e4, नाइट क्रॉस e5, क्वीन g5, डबल अटैक है दोस्तों, क्वीन टेक्स नाइट और क्वीन इनटू g2, क्वीन a4, क्वीन टेक्स e5, बिशप क्रॉस c6, बी क्रॉस c6, क्वीन क्रॉस c6, चेक, किंग d8, क्वीन a8, देन बिशप c5, क्वीन c6, बिशप d7, क्वीन a6, उसके बाद बिशप b5, क्योंकि क्वीन टेक्स b5 पॉसिबल नहीं है, बिशप टेक्स f2 चेक और डिस्कवर आप सिंपल देख सकते हो, qb7, देन बिशप d3, b4 और बिशप टेक्स f2 सेक्रीफाइस, किंग टेक्स f2 और फिर qf4 चेक, किंग e1, qh4 चेक ऑन g3 और क्वीन h5 अनअवॉइडेबल चेकमेट आ रही है यहाँ पे, जैसे क्वीन e2। दोस्तों ये थी पोंजियानी ओपनिंग। फिलिडोर डिफेंस के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। e4, e5, नाइट f3, नाइट c6, सॉरी नाइट f3 के सामने d6, आप पहले सेकंड मूव में d6 करके खेल सकते हो। यहाँ पे ज़्यादातर कॉमन मूव है d4, काउंटर अटैक नाइट f6, वाइट खेलेगा नाइट c3, Nbd7 सपोर्ट पॉन को, बिशप c4, बिशप e7 और ये सिंपल ओपनिंग है, डेवलप करके खेलना है बाद में कैसलिंग। पेट्रोफ डिफेंस दोस्तों बहुत सारे लोग पहले खेला करते थे, आजकल बहुत कम खेली जाती है। पेट्रोफ e4, e5, नाइट f3, देन नाइट f6, ये है पेट्रोफ डिफेंस। इसमें भी कई सारे वेरिएशंस है, जिसमें वाइट d4 डायरेक्ट करके अटैक करता है, नाइट क्रॉस e5 भी कर सकता है। नाइट क्रॉस e5 ये मोस्ट कॉमन मूव है, नाइट क्रॉस e5 जिसमें d6 करना होता है, उसके बाद नाइट f3 वापस जाता है और नाइट क्रॉस e4 आपको भी पॉन मिलता है, देन d4 और यहाँ पे d5। लेट विन काउंटर गैम्बिट एक और ओपनिंग है, लेट विन काउंटर गैम्बिट देखते हैं क्या है। व्हाइट e4, e5, नाइट f3, आप ब्लैक से f5 अर्ली अटैक करके खेल सकते हो। आफ्टर e x f5, ये बहुत ही अटैकिंग गेम है। नाइट c6, बिशप b5, पिनिंग योर नाइट, बिशप c5, बिशप क्रॉस c6, d takes c6, नाइट क्रॉस e5, बिशप क्रॉस f5, क्वीन h5 चेक, g6, देन नाइट क्रॉस g6। अगर आप बिशप टेक्स g6 मारते हो तो क्वीन टेक्स e5 हो रहा है, पॉन से मारते हो तो क्वीन टेक्स h8। h x g6 ये एक सरप्राइज मूव है, क्वीन क्रॉस h8, क्वीन e7 चेक, उसके बाद किंग d1, बिशप टेक्स f2, आपको रुक को यहां आने से रुकना है और बिशप चेकमेट के थ्रेट भी है। आफ्टर क्वीन टेक्स g8,
Now you can play king e7 और मेट बचाने के लिए क्वीन c4 फोर्स मूव है, क्योंकि रूक से क्वीन पे भी अटैक था, तो क्वीन c4 इज द बेस्ट. re8 फिर से चेकमेट की थ्रेट, और अब ये चेकमेट रुक नहीं पाएगी, क्योंकि अगर c3 किया तो भी चेकमेट है, और अगर d3 किया तो भी क्वीन चेकमेट. तो ये थी ओपनिंग हमारी दूसरी. तो दोस्तों, और भी बहुत सारे ओपनिंग्स मैं बताऊंगा आपको मेरे अगले वीडियो में, और ये सारे मूव्स आप नोट डाउन करके प्रिपेयर कर सकते हो. अलग अलग तरह के ब्लैक से चॉइसेस है, बहुत सारे चॉइस मैं आपको बताने वाला हूँ. इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे. तो तब नेक्स्ट वीडियो के जल्द ही मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात.